गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हैव अ सीट। आज हम लोग पढ़ेंगे पैस्टोरलिस्ट इन द मॉडर्न वर्ल्ड। अभी तक जो हम लोग क्लास नाइन्थ में हिस्ट्री पढ़ते आए हैं, फ्रेंच रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन या जर्मनी में नाजीवाद, है ना, ये पढ़ते आए हैं हम लोग। मेनली क्या देखते आए हैं, इवेंट को देख चर्चा करते आए हैं। अभी तक हम लोग घटना, हिस्ट्री मतलब क्या जाने, ये घटना है और उसका रिएक्शन है, प्रतिक्रिया है। अभी तक हम लोग ने हिस्ट्री, राजा महाराजा की कहानी या घटना से संबंधित जाना। लेकिन आज जो हम बात करेंगे, क्लास नाइन में हिस्ट्री पढ़ेंगे, वो कुछ इससे अलग हटके है, है ना। ये कोई घटना नहीं है, ना घटना की प्रतिक्रिया है। एक ऐसे समुदाय की बात करेंगे जो इतिहास में विरले ही नजर आता है, उसकी कोई चर्चा ही हमें नजर आती है, मिलती है, ठीक है। वो सोसाइटी हम जिसकी बात करने वाले हैं, वो क्या है सोसाइटी, पैस्टोरलिज्म, ठीक है, यानी कि चरवाहे, आधुनिक विश्व में चरवाहे, पैस्टोरलिज्म इन द मॉडर्न वर्ल्ड। पैस्टोरलिस्ट इन द मॉडर्न वर्ल्ड, ये जो समुदाय है ये मेनली क्या है, घुमंतु है, है ना। घुमंतु, घुमंतु मतलब क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है, ऐसे लोग जो अपनी रोजी रोटी के लिए आज इस स्थान पे हैं तो कल दूसरे स्थान पे मूव करेंगे। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि रोजी रोटी के लिए आज हम कुसीरा में रह रहे हैं, कल गोपीकांदन में भी रह सकते हैं, तो जिसका कोई अस्थायी निवास स्थान ना हो। ये चरवाहे जो थे, घुमंतु चरवाहे, क्या करते थे, अपने मवेशी के साथ, है ना, रेवर के साथ, रेवर यानी झुंड के साथ, ये क्या करते थे, अपनी रोजी रोटी के लिए क्या करते, एक स्थान से दूसरे स्थान में मूव करते थे। ये क्या कहलाते थे, नोमैडिक, जिसका कोई भी अस्थाई निवास स्थान नहीं है, है ना। ये अपनी आमदनी के लिए क्या करते थे, एक जगह से दूसरे जगह मूव करते थे। तो इन चरवाहों का हम अगर इतिहास में बात करें तो कोई भी हमें स्रोत देखने को नहीं मिलता है, इनकी कोई अस्थाई बुक में चर्चा नहीं मिलती। अभी तक मैंने स्टार्टिंग से पढ़ा कि इतिहास को हम लोग क्या जाने, कि वो घटना है और घटना प्रतिक्रिया, इसके रूप में हम लोगों ने देखा। ये जो इतिहास हम लोग चर्चा कर रहे हैं, इसकी जानकारी शायद हिस्ट्री की बुक में विरले ही मिलती है। अब इसके बारे में देखेंगे, चरवाहे के बारे में देखेंगे कि इनका लाइफ स्टाइल क्या था। हिस्ट्री की चर्चा में तो उसके इसलिए हमें नहीं मिलता है क्योंकि कोई स्थान उनका परमानेंट नहीं था। आज यहाँ मूव कर रहे हैं, कल वहाँ मूव कर रहे हैं, तो हिस्ट्री के बुक में अगर हम कहेंगे इसकी चर्चा क्यों नहीं मिल रही, तो उसका इसके पीछे मेन रीजन यही था कि ये लोग क्या थे, नोमैडिक लाइफ जी रहे थे। तो चरवाहों का इतिहास जो है पुस्तकों में शायद देखने को हमें मिले। जब भी हम इसकी बात करते हैं चरवाहों के लिए, तो मेनली इतिहास में हम लोग क्या देखते हैं, अर्थव्यवस्था में देखते हैं, कृषि के बारे में चर्चा करते हैं, उद्योग के बारे में चर्चा करते हैं, कामगारों के बारे में कोई चर्चा शायद ही हमें हिस्ट्री की बुक में देखने को मिलता है। चरवाहों के साथ भी ऐसा ही है, है ना, इनकी भी इतिहास की बुक में शायद ही देखने को चर्चा हमें मिलती है। लेकिन ये जो अध्याय हम लोग पढ़ेंगे, देखेंगे, उसमें हम लोग भारत और अफ्रीका में जैसे समाजों में चरवाहों के जीवन में क्या महत्व है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ हम लोग जानेंगे कि चरवाहों के लाइफ में जब उपनिवेशवाद स्टार्ट होता है, भारत में भी अफ्रीका में भी, हम लोग लास्ट चैप्टर में भी चर्चा कर रहे थे उपनिवेशवाद की, तो जब उपनिवेशवाद स्टार्ट होता है तो भारत में चरवाहों की जिंदगी में, अफ्रीका में चरवाहों की जिंदगी में क्या बदलाव आता है, उसके बारे में देखेंगे। आधुनिक समाज में इनका क्या प्रभाव पड़ता है, इसको चर्चा करेंगे। और इस भाग में मेनली हम लोग भारत की चर्चा करेंगे कि भारत में चरवाहों का लाइफ स्टाइल कैसा है, ये चरवाहे कहाँ पाए जाते हैं, कहाँ रहते हैं, इनके बारे में चर्चा करेंगे। मिली दो कंट्री के बारे में चर्चा करेंगे, सॉरी दो कॉन्टिनेंट के बारे में, दो कॉन्टिनेंट में, इंडिया में केवल भारत, अति एशिया में केवल इंडिया की बात करेंगे चरवाहों के लाइफ स्टाइल में, और अफ्रीका की बात करेंगे, चरवाहों की स्टाइल को देखेंगे कि उनके लाइफ में क्या बदलाव आता है औपनिवेशिक शासन काल में। तो आज के वीडियो सेशन में केवल हम भारत में रहने वाले जो हमारे चरवाहे घुमंतु चरवाहे हैं, उनकी आवाजाही को देखेंगे, उनके लाइफ में औपनिवेशिक शासन काल जब आते हैं तो क्या बदलाव आती है, क्या चेंजिंग आती है, इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पहाड़ों में रहने वाले इन घुमंतु समुदाय के बारे में। मेनली हमें पहाड़ों के बारे में सबसे पहले
ज्यादातर लोगों को मन में यही आइडिया है कि जो चरवाहे हमारे हैं घुमंतू जो हैं वो कहाँ रहते हैं, हिल स्टेशन में पाए जाते हैं, जो ठंडा इलाका है पहाड़ी इलाका है वहाँ पाए जाते हैं। तो ऐसे ही पहाड़ी इलाकों में ये 19वीं सेंचुरी में आके बस गए, एक समुदाय था वो हमारा था गुज्जर बकरवाल। ये गुज्जर बकरवाल जो है ये कहाँ रह पाया जाता था भारत में, जम्मू एंड कश्मीर में, जे एंड के में, ठीक है, गुज्जर बकरवाल। ये 19 सेंचुरी में भारत में आए और ये यहीं के होके रह गए। तो ये लोग कैसे अपना मूव करते थे, अपने बड़े बड़े रेवर के साथ, रेवर यानी झुंड के साथ, मवेशियों के झुंड के साथ ये मूव करते थे। इनका मेनली जो रेवर था भेड़ बकरियां, ठीक है। ठंडे इलाका में हम जो रेवर देखते हैं वो क्या देखते हैं, भेड़ बकरियां, जिससे उनका रोजगार हो सके। भेड़ बकरियों से क्या बनता था, ऊन बनता था। तो ये ठंडा स्थान में भेड़ बकरियां लेके मूव करते थे। इस समुदाय अधिकतर लोग जो थे वो अपने मवेशियों के लिए चारगाहों की तलाश में भटकते भटकते कहाँ आए थे, इंडिया पहुंचे थे 19वीं शताब्दी में, है ना, जम्मू कश्मीर पहुंचे थे और ये यहीं के होके रह गए। इस इलाके में क्या होता था, काफी सर्दी पड़ती थी, ठंडे के दिन में तो पूरा पहाड़ जो था बर्फ की चादर से ढक जाता था, ठीक है। तो अब ठंडे में तो इनका जीवन निर्वाह होगा नहीं, मवेशियों के लिए चारा मिलेगा नहीं, मवेशियों को क्या चाहिए, चारा चाहिए, अगर चारा नहीं मिलेगा तो जिंदा नहीं रहेंगे। तो ये क्या करते थे, ठंड के दिन में अपने पहाड़ी इलाका से जितना हम हिल पे जाएंगे क्या हो जाएगा, ठंडा ज्यादा रहेगा तो बर्फ भी ज्यादा जमेगा ठंडे में, है ना, टेम्परेचर जो है वो माइनस में जाएगा। तो ठंडे के दिन में क्या करते थे, नीचे उतरते थे, शिवालिक की पहाड़ियों में आते थे, निचली पहाड़ियों में आके डेरा डालते थे। और ये कैसे मूव करते थे, जैसे गए हैं पूरे मवेशी के साथ में, अपना सामान के साथ में लेके घूमते थे, ठीक है। तो मवेशी का रेवड़ लेके फिर से शिवालिक के ओर नीचे आते थे और जब तक जा रहता था वो कहाँ रहते थे, इसी निचली स्थान पे रहते थे। अप्रैल के अंत में फिर इनका काफिला कहाँ जाता था, अप्रैल में गर्मी स्टार्ट होता था, फिर इनके लिए गर्मी में भेड़ बकरियाँ ये सब तो ठंडे स्थान में रहने वाला चीज़ है। और फिर ये क्या करते थे, अप्रैल के अंत में फिर से अपना काफिला लेके ऊपर की ओर पहाड़ की ओर मूव करने लगते थे। जैसे जैसे गर्मी शुरू होता था जमी हुई जो बर्फ जो थी, चादर जो थी मोटी चादर, क्या होने लगती थी, पिघलने लगती थी और फिर वहाँ क्या हो जाता था, हरियाली हो जाता था, जिसके लिए क्या होता था, मवेशियों के लिए चारा फिर से मिल जाता था, है ना। तो सितंबर के अंत में फिर बकरवाल जो थे एक सेहत क्या करते थे, फिर अपना रेवर लेके नीचे के साइड में प्रवेश करने लगते थे। जैसे जैसे फिर सर्दी स्टार्ट होता था नीचे की ओर जाते थे, गर्मी स्टार्ट होता था फिर क्या करते थे, फिर ये ऊपर की ओर मूव कर जाते थे, है ना। तो इनका मेनली काफिला इसी तरह से मूव करता था। और पास के ही पहाड़ों बकरवालों का एक समुदाय और भी रहता था, ठीक है। ये तो हम लोग जम्मू कश्मीर में ये देखें कि जम्मू कश्मीर में जो हमारे ये थे समय, जैसे हम लोगों ने देखा कि जम्मू कश्मीर में एक समुदाय था गुज्जर बकरवाल, वैसे ही एक समुदाय और पास के पहाड़ियों में भी था, वो था हमारा गद्दी। ये मेनली कहाँ था, हिमाचल प्रदेश में। ये समुदाय जो था गद्दी समुदाय वो हमारा कहाँ प्रवेश पाया जाता था, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। और ये भी सेम जैसे हम लोग गुज्जर बकरवाल की चर्चा कर रहे हैं कि सीजन के साथ में सर्दियों में नीचे आते थे और फिर गर्मियों में ऊपर जाते थे पहाड़ के इलाकों में, वैसे ही गद्दी भी वही काम करते थे। गद्दी भी क्या करते थे, जैसे जैसे सर्दी बढ़ता था वो क्या करते थे, नीचे की ओर आने लगते थे और गर्मी के दिन में फिर मौसम के साथ साथ वो क्या करते थे, ऊपर की ओर प्रवेश करते थे। तो इनका भी प्रवेश गर्मियों में शिवालिक के निचली स्थान में और ठंडे में गर्मी में फिर ऊपर पहाड़ियों पर चल जाते थे। वैसे ही सेम जैसे गुज्जर बकरवाल अपने मवेशी के साथ झुंड लेके अपना प्रवेश करते थे, वैसे ही ये लोग भी अपने मवेशियों के साथ में क्या करते थे, अपना स्थान परिवर्तन करते थे। जब बर्फ पिघलता था और ऊंचे दर्रे खुल जाते थे तो बहुत सारे ऊपरी पहाड़ी पर स्थित जो घास के मैदान थे वो वहाँ पहुँच जाते थे, है ना। बकरवाल गुज्जर बकरवाल की तरह ही इनका भी लाइफ स्टाइल सेम था। हम लोगों ने देखा पहाड़ पे जम्मू कश्मीर के जो ये थे हमारे घुमंतू समुदाय थे उसकी चर्चा की, हिमाचल प्रदेश की घुमंतू समुदाय गद्दी की चर्चा की। अब हमारा कुछ और पहाड़ी इलाका और भी है, जैसे उत्तराखंड का हमारा कुमायूं इलाका या इसके अलावा गढ़वाल का इलाका, उसकी भी बात करते हैं हम लोग, वहाँ के भी घुमंतू समुदाय को देखते हैं। तो
ये लोग भी जो थे गढ़वाल और कुमाऊं के जो थे समुदाय थे, ये भी क्या थे, मेनली गुज्जर थे। गुज्जर सर्दियों में भावर के सूखा जंगल में क्या करते थे, प्रवेश कर जाते थे, और गर्मियों में फिर से ऊपरी भाग मैदान में बुआल की तरफ क्या करते थे, चले जाते थे। तो इनमें से बहुत सारे जो थे हरे भरे चारगाहों की तलाश में 19वीं सेंचुरी में जम्मू कश्मीर से कहाँ आ गए, ये लोग भी पहाड़ियों से नीचे नीचे की ओर प्रवेश कर गए। दोनों तीनों समुदाय का जो हम कंडीशन देख रहे हैं, तीनों इलाकों में पहाड़ में रहने वाले का कंडीशन क्या देख रहे हैं, सेम। ये लोग मेनली क्या देख लाइफ स्टाइल बिता रहे हैं, नोमैडिक लाइफ बिता रहे हैं, घुमंतू लाइफ बिता रहे हैं। सर्दी गर्मी के हिसाब से ये हर साल क्या करते थे, चरवाहे स्थान बदलते थे, है ना। और जैसे हम लोगों ने कश्मीर की बात की, हिमाचल प्रदेश की बात की, वैसे ही हम लोग कुमायूं का, गढ़वाल का भी, वहाँ के भी जो समुदाय थे उनकी भी बात कर रहे हैं। सेम इसी तरह से और भी कुछ समुदाय थे, जैसे भोटिया, शेरपा, किनोरा समुदाय के लोग, इनका भी लाइफ स्टाइल क्या था, नोमैडिक। नोमैडिक मतलब घुमंतू, सीजन के मौसम के अनुसार ये लोग क्या करते थे, अपने स्थान को परिवर्तन करते थे। ये तो था हमारा पहाड़ों में रहने वाले समुदाय का लाइफ स्टाइल, ठीक है। लेकिन पहाड़ के अलावा भी हम देखेंगे कि चरवाहे रहते थे, जैसे पठारों में, मैदानों में, रेगिस्तानों में, है ना। पहाड़ हिल स्टेशन में केवल स्थान में रहे हमारे चरवाहे, ऐसा नहीं था, बल्कि वो और भी जगह रहते थे, जैसे पठार में, मैदान में और रेगिस्तान में भी ये चरवाहे हमारे रहते थे। तो चरवाहे जो थे वो पठारों, मैदानों और रेगिस्तान में बहुत ही संख्या में मौजूद था, ठीक है। हम लोगों ने तो थोड़ा संख्या में देखा भी, गुज्जर बकरवाल की बात की, गद्दी की बात की, है ना, ये थोड़े संख्या में, किन्नौरों की बात की, ये बहुत ही थोड़े संख्या में बात की। लेकिन इसके अलावा हमारा जो मेन भाग है, पठारी इलाका, मैदानी इलाका, रेगिस्तानी इलाका, इसमें भी हम लोग क्या देखते हैं कि हमारे चरवाहे समुदाय के लोग रहते थे। एक समुदाय था हमारा धंगर। धंगर जो था वो कहाँ रहता था, महाराष्ट्र में। धंगर धंगर जो था वो महाराष्ट्र का जाना माना क्या था, चरवाहा समुदाय था, ठीक है। 20वीं सदी की शुरुआत में इस समुदाय की जो आबादी थी 4 लाख, 4,67,000, यानी समथिंग अबाउट 5 लाख की, है ना, 5 लाख की इसकी आबादी रही होगी लगभग। और ये गररिया या चरवाहे सीता का काम करते थे, और मेनली क्या बनाते थे, कंबल और चादर बनाने का काम करते थे। इनकी भी लाइफ स्टाइल नोमेडिक थी, कभी इस स्थान पे, कभी उस स्थान पे, मौसम के अनुसार मूव करते थे। और मेनली इनका जो बिजनेस था वो क्या था, चादर बनाने का, कंबल बनाने का। जबकि कुछ भैंसे भी पालते थे ये लोग, समुदाय के लोग। अभी तक हम लोगों ने पहाड़ वाले के समुदाय को क्या देखा, कि ठंडने वाले जानवर को पाल रहे हैं, जैसे भेड़ की बात कर रहे हैं, बकरी की बात कर रहे हैं, जिससे ऊन बनाया जा सके। धनगर महाराष्ट्र में रहने वाला ये था समुदाय था, और ये लोग कंबल और चादर बनाते थे। धांगड़ों की मवेशी जो थी, कटाई के बाद मवेशी क्या करते थे, कटाई के बाद जो बचा हुआ खूट होता था, जैसे हम लोग गेहूं रोकते हैं, चावल रोकते हैं, काटने के बाद क्या निकलता है, खूट निकलता है। तो ये खूट जो होता है वो कौन खाता था, मवेशी को खिलाने का काम करते थे, ठीक है। चारों तरफ इस कटीली झाड़ियों को ये लोग मवेशी को चारगाह के रूप में यूज करते थे। इनका भी मौसम के अनुसार स्थान परिवर्तन शुरू से बताते आ रहे हैं। अक्टूबर के आसपास ये धंगर बाजरे की कटाई करते थे, और चारगाहों की तलाश में पश्चिम की तरफ चल जाते थे, ठीक है। बाजरे की कटाई तो कर ली, इधर का इलाका सूखा, ठीक है। तो अब चारगाह कहाँ मिलेगा, तो चारगाह की तलाश में अब कहाँ जाना है, ये लोग महाराष्ट्र पश्चिम की तरफ मुड़ रहे हैं, ठीक है। इसी तरह और भी बहुत सारे समुदाय थे। हमारा रेगिस्तान में एक समुदाय था, वो था लाइका, राजस्थान का, है ना। एक समुदाय था लाइका, ये समुदाय कहाँ का है, ये हमारा समुदाय राजस्थान का है। ये समुदाय जो था मेनली रेगिस्तान में रहता था, इसलिए ये किस तरह के भेड़ पालते, जानवर पालते थे, मेनली ऊँट पालते थे, क्योंकि रेगिस्तानी इलाके में पानी की कमी होती है। तो मवेशी जब खुद पानी पीने का नहीं, पीने को तो मवेशियों को कैसे पिलाएंगे, तो ऐसे जानवरों को प्रयोग करते थे ये, जो जो रेगिस्तान में आराम से जीवन निर्वाह कर सके। मेनली इनका जो भेड़ होती है, झुंड होता था, लेबर होता था, वो किसका होता था, ऊँटों का होता था। और ये समुदाय भी अपने लेबर के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान में क्या करते थे, परिवर्तन करते थे। चारवाहों में
एक जाना पहचाना नाम बंजारों का भी है। बंजारा भी हम लोग देखें, बंजारा तुम्हारे झारखंड बिहार में भी देखने को पाया जाता है। समय समय पे बंजारा राजस्थान से कहाँ जाते हैं, इधर नॉर्थ इंडिया की तरफ भी प्रवेश कर जाते हैं। बंजारे उत्तर प्रदेश में है ना, पंजाब में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, कई इलाकों में रहते थे। ये लोग बहुत दूर दूर तक चले जाते थे और रास्ते में अनाज के और चारों के बदले गांव वालों को खेत जोतने वाले जानवरों को दूसरी चीजों से भी क्या करते थे, बेचते जाते थे। ये लोग अपने जेवर को लेके इधर से उधर मूव करते थे और जो खेत जोतने वाले ये थे उनको भी अपना सामान बेचने का काम करते थे, बंजारा मेनली। अब हम लोग बात करते हैं कि औपनिवेशिक शासन काल में के दौरान जब यहाँ पे अंग्रेज आए, तो अंग्रेजों के आने के बाद चारवाहों के जीवन में क्या परिवर्तन हुआ। अभी तक तो हम लोगों ने देखा कि फ्री स्टाइल में मूव कर रहे हैं, जब चाह रहे हैं मौसम के अनुसार इधर से उधर स्थान परिवर्तन कर रहे हैं। लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद औपनिवेशिक शासन में, ठीक है, चरवाहों के जीवन में जो होता है काफी बदलाव आता है ना। हम लोगों ने जैसे वन समाज पढ़ रहे थे तो बात कर रहे थे कि हम लोग आदिवासी वनवासी को क्या देख रहे थे कि आराम से पेड़ की कटाई कर रहे थे। लेकिन जब अंग्रेज औपनिवेशिक स्टार्ट होता है तो आराम से वनों की कटाई पॉसिबल थी, नहीं पॉसिबल थी, क्योंकि अंग्रेजों ने क्या किया, वन अधिनियम लागू कर दिया। सेम एज यहाँ भी हम लोग वही बात करेंगे, चरवाहे जितना आसानी से मौसम के अनुसार अपना स्थान परिवर्तन कर रहे थे, अब औपनिवेशिक शासन काल में उनके जीवन में काफी बदलाव आया। आराम से इधर से उधर मूव करना और अपने भोजन का निर्वहन के लिए इधर उधर तलाश करना, ये चीज उनको अच्छा नहीं लग रहा था, है ना। अपनी शासन के दौरान में सबसे पहले जो रोक लगाया गया था झूम खेती पे लगाया गया था, क्योंकि झूम खेती से क्या हो रहा था, उनके वनों का विनाश हो रहा था। तो अपनी वैश्विक शासन के दौरान चरवाहों की जिंदगी में गहरे बदलाव आते हैं। उनके चरागाह क्या हो गया, सिमट गया। पहले तो क्या था कि जैसे चरागाह की कमी आप एक स्थान में कम रहा है, वो दूसरे निचले स्थान में चल जाते थे। अब उनपे क्या लगा दी गई, बहुत सारी बंदिशें लगा दी गई, ठीक है, और अब उनसे कुछ और वसूला जाने लगा। ये जो अपने रेवर को लेके जाते थे चारगाहों के लिए, तो उनसे अब क्या वसूला जाने लगा, लगान वसूला जाने लगा, और लगान में भी काफी वृद्धि कर दी गई। खेती में उनका हिस्सा घटने लगा और पेशे हुनर का भी बहुत बुरा असर पड़ गया ये चरवाहों की जिंदगी में। अब हम बात करते हैं, आइए देखते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, इसके कारणों को जानते हैं। जब औपनिवेशिक शासन काल स्टार्ट हुआ तो उनके लाइफ स्टाइल में इतना जल्दी बदलाव कैसे आया, उनकी स्थिति ऐसे कैसी हो गई। तो सबसे पहले तो है रीजन, कारण जो है वो ये है कि अंग्रेज सरकार चारगाहों को खेती की जमीन में तब्दील कर देना चाहते थे। अंग्रेजों को ये पसंद नहीं था कि वो अपना मवेशी को लेके इधर उधर जाए और जानवरों को अपना चराने के लिए छोड़े, ये इनके लिए यूजलेस चीज था, है ना। वो क्या चाहते थे कि जो जमीन जमीन है उसको क्या करना है, खेतिहर जमीन में तब्दील कर देना है ना, खेती की जमीन बना देना है, जिससे उनको क्या मिल सके, आमदनी मिल सके, ठीक है। ये खेती उनके लिए आमदनी का बहुत बड़ा स्रोत था। जितना एरिया क्षेत्रफल पे खेती होगा उतना ज्यादा उनको क्या मिलेगा, लगान मिलेगा, टैक्स मिलेगा, है ना। तो वो जमीन को खेतिया जमीन बनाना चाहते थे, इसमें जूट, कपास, गेहूं और अन्य खेतिया चीजों का उत्पादन करना चाहते थे, है ना, जिससे उनका ज्यादा से ज्यादा मुनाफा हो सके, ठीक है। और ये जो हम नोमेडिक को देख रहे हैं वो इधर उधर मूव कर रहे थे अपने जानवरों को लेके चारगाह के लिए, तो उससे क्या हो रहा था, उनका नुकसान हो रहा था। तो सबसे पहले अंग्रेजों को आने के बाद उनके लाइफ स्टाइल में इस चीज में क्या कर दिया गया, पाबंदी लगा दी गई, है ना। उनको इस तरह के काम में, अंग्रेजों ऐसी जमीन को बेकार मानते थे जो चरवाहे के लिए केवल यूज होता था, ठीक है, उसे खेती के लायक बनाना उनका परम कर्तव्य समझते थे। जमीन वही अच्छा है जिसमें खेती किया जा सके, है ना। तो पहला रीजन तो परिवर्तन तो हम ये देखने को मिलता है कि अंग्रेजों के आने के बाद, औपनिवेशिक शासन के स्थान स्टार्ट होने के बाद क्या होता है, जो चारागाह आराम से इधर घूम रहे थे उनपे बहुत सारी बंदिश लग जाती है। इसके अलावा दूसरा और हम क्या परिवर्तन देख रहे हैं, उनके जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है, वन अधिनियम कानून लगा दिया गया। फॉरेस्ट सोसाइटी में जो लास्ट चैप्टर पढ़े थे, लेसन 4 पढ़ रहे थे, उसमें हम लोगों ने बात किया था, है ना। अंग्रेजों ने क्या किया, यहाँ आने पे वन अधिनियम लगा दिया,
जंगल पे कम अधिनियम लगा दिया गया, आराम से जाए जंगल को कटाई कर ले, इससे पहले हम लोग देख रहे थे। लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया कि अब जंगल को ऐसे नहीं कटिंग कर सकते, है ना। वन को तीन भाग में बांट दिया था, हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, आरक्षित, संरक्षित और ग्रामीण, ठीक है। तो वन अधिनियम लग जाने से क्या हो गया, अब ये जो 19वीं सदी के मध्य तक आते आते देश के विभिन्न प्रांतों में वन अधिनियम पारित हो गया और इन कानूनों के आड़ में सरकार ने कई जंगलों को क्या कर दिया, आरक्षित वन घोषित कर दिया। तो अब ऐसे आरक्षित वन में हमारे जो ये थे चरवाहे थे, वो जाके भी घुमंतू अपने जाके भी क्या कर सकते हैं, जब उनको अपने रेवड़ के लिए चारा ही ना मिलेगा तो। इन जंगलों में चरवाहों को घूमने पर भी पाबंदी लगा दी गई थी, ठीक है। कई जंगलों को ये क्या कर दिया गया, संदिग्ध घोषित कर दिया गया। जंगल क्या है हमारा, संदिग्ध है, इसे यहाँ पे मूव नहीं करना है। और इन जंगलों में चारवाहों को चारवाहा से परंपरागत अधिकार को क्या कर लिया गया, छीन लिया गया। ये भी उनके लाइफ स्टाइल में काफी चेंजिंग आई। तीसरा रीजन ये था कि जो अंग्रेज अधिकारी थे वो घुमंतू को क्या देखते थे, सख भरी निगाहों से देखते थे। ये लोग संदिग्ध निगाहों से देखते थे, उनको क्या लगता था कि ये जो हमारे घुमंतू जो हैं वो इधर उधर घूम रहे हैं, ये में भी हो सकता है कि क्रिमिनल हो, है ना। उनको संदिग्ध नजर से देख रहे हैं, शक के नजर से देख रहे हैं। तो वे गांव गांव जाकर उनकी चीजों बेचने पे रोक प्रतिबंध लगाए और उन्होंने एक नियम बना दिया, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट, ठीक है, जो इस तरह की घुमंतू मूव करके सामान बेच रहे हैं। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट, क्रिमिनल ट्राइब्स, आदिवासी ट्राइब्स एक्ट, ठीक है। इस पे क्या कर दिया जाएगा, पाबंद लगा दिया जाएगा, पाबंदी लगा दी जाएगी सामान जो इधर ले जाके बेच रहे हैं। क्योंकि उनको मन में हमेशा डाउट बना रहता था कि हो सकता है ये लोग अपराधी हों और हमें क्या करे, क्षति पहुंचाए। इसी वजह से इस तरह का अधिनियम लाया गया। और एक चौथा जो प्रभाव पड़ता है अपनी वैश्विक शासन के आने के बाद चारवाहों के जीवन में, वो क्या था, आमदनी के लिए अब लगान वसूल किया जाने लगा, है ना। पहले क्या था कि जमीन हवा ये सब हमारा फ्री था, जहाँ चाहे वहाँ पे हम लोग मूव कर सकते हैं। लेकिन अंग्रेजों के लिए आय का क्या स्रोत था, यही था, तो जमीन पे, है ना। इसके अलावा क्या कर दिया गया, नमक पे, मवेशी पे भी यहाँ तक कि क्या कर दिया गया, टैक्स वसूलना स्टार्ट कर दिया गया। पेड़ पौधा काटना मनाही कर दिया गया, ये इनकम का, इनका आमदनी का स्रोत था। तो अपनी वैश्विक शासन जैसे स्टार्ट होता है, हम लोग क्या देखते हैं, चरवाहों के जीवन में बहुत ढेर सारे बदलाव आते हैं। इन बदलावों की जिंदगी किस तरह से प्रभावित हुई अंग्रेजों की, सॉरी चरगाहों की, तो इन चीजों की वजह से चरगाहों की जो स्थिति थी गंभीर कमी पैदा कर दी, है ना। अब चरगाहे जो हो गए क्या हो गए, अस्थायी बसने लग गए, क्योंकि अंग्रेजों ने बहुत सारी चीज में क्या लगा दिया, पाबंदी लगा दिया, इधर उधर मूव नहीं कर सकते, उनको फिक्स लगा देना है। तो अगर इधर उधर मूव करेंगे तो उनका डेटा तो नहीं अंग्रेजी सरकार के रिकॉर्ड में रहेगा, ठीक है। तो जैसे जैसे ज्यादा से ज्यादा चारगाहों को सरकारी कब्जे में लेकर उन्हें क्या कर दिया गया, खेती जमीन में बदल दिया गया, तो उनकी संख्या भी, चारगाहों की संख्या भी कम गई। वैसे वैसे चारगाहों की क्या हो गई, उपलब्धि भी क्या हो गई, सिकुड़ गए, ठीक है। इसी तरह जंगलों में के आरक्षण के का ये भी नतीजा हुआ कि गरेरिया का पशुपालन एवं अपने मवेशियों में जंगलों में पहले जैसे आबादी अब नहीं रही, ठीक है। क्योंकि इस पे बहुत सारे अधिनियम लगा दिए गए, हम लोगों ने देखा कि ये क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट भी लगा दिया गया, उसके अलावा वन अधिनियम भी लगा दिया गया। तो अब चरवाहे अपने लाइफ स्टाइल में पहले की तरह नहीं रह सकते थे, नोमैडिक लाइफ नहीं जी सकते थे। ये तो था भारत में औपनिवेशिक शासन काल के समय में चरवाहों की स्थिति में क्या परिवर्तन आया, या चरवाहे अपनी जिंदगी कैसे देख रहे थे। आज के लिए यहीं तक, कल हम लोग जो बात करेंगे वो हम लोग अफ्रीका में चरवाहों के लाइफ स्टाइल में क्या परिवर्तन आया उसको देखेंगे। और इसके साथ ही, कल के साथ ही हमारे क्लास 9th का जो हिस्ट्री है वो कंक्लूड हो जाएगा। आई होप अभी तक हमारा क्लास 9th का हिस्ट्री जो पढ़ रहे थे वो समझ में आ चुका होगा। थैंक यू सो मच।